रायबरेली में महिलाओं और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया। रोटरी क्लब द्वारा पूरे मंडल में 274 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। रोटरी क्लब रायबरेली के पूर्व अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने सिलाई मशीनों के लिए मंडलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि महिलाओं और छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोटरी क्लब कृत संकल्पित है और रायबरेली में निरंतर कई दशकों से बहुत ही कम शुल्क पर सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण को संचालित कर रहा है, जिसका लाभ रायबरेली के नागरिकों को लेना चाहिए। पूर्व सचिव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सिलाई मशीन के लिए इस वर्ष 4 महिलाओं का चयन किया गया है। आगे और जरूरतमंद महिलाओं को मशीनें प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीके वर्मा द्वारा की गई तथा संचालन पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा और रजनीश कपूर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मैं अरविंद श्रीवास्तव, सत्र 2022-23 में मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष था। आज क्या कार्यक्रम हुआ? सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम था। ये रोटरी क्लब का शुरू से एक ये अभियान रहा है कि जो महिलाएं योग्य हैं और जरूरतमंद हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये डिस्ट्रिक्ट से ग्रांट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा यूपी का आधा एरिया और इसके अलावा एमपी का कुछ एरिया लगता है। ये पूरे मंडल में 274 मशीनें दी गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जनपद रायबरेली में 4 महिलाओं को ये मशीनें दी गई हैं और हम लोगों का प्रयास है कि आगे चल के ये कार्यक्रम और सफल हो और हम लोग जो है और मशीनें यहाँ के लोगों को दिला सकें ताकि यहाँ की महिलाएं और छात्राएं आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।